पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में श्री श्रावण मास में श्रीमद् भागवत भक्तमाल कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज गुरुवार को भक्त कर्माबाई और भक्त नरसी मेहता की सुंदर कथा, ठाकुर जी द्वारा नरसी जी का भात भरना और श्री सावरिया सेठ जी की सुंदर झांकी का दर्शन और पूजन किया गया। इस अवसर पर कथा के मुख्य यजमान महेश अग्रवाल से परिवार रहे। इस अवसर पर बाल व्यास कपिल देव जी महाराज के द्वारा कथा का बखान किया गया। कार्यक्रम में सुंदर भजनों का प्रस्तुतिकरण हुआ, जिन्हें सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर कथा व्यास कपिल देव जी महाराज ने सनातन के प्रति जागरूक सजग रहने की सभी से अपील करते हुए कहा कि सभी को एकजुट होकर रहना है, साथ ही साथ सभी को प्रेम पूर्वक भक्ति मार्ग पर चलकर ईश्वर की शरण में जाना है। इस झांकी को मन में बैठा लो, जिनकी नेत्रों में मस्ती छाई हुई हो, अगर वो हृदय में विराजमान हो जाए, वो हृदय में बैठ जाए, तो जितनी देर कथा में बैठोगे ना, मस्ती छाई ही रहेगी। प्रेम से बोलो, इसीलिए कहते रहो राधे 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 राधे, राधा राधा कहते ही हमारे जो मन की वृत्तियां जो बाहर भटक रही है, राधा का अर्थ क्या है, राधा का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। राधा माने अंतर्मुखी वृत्ति, जो हमारी वृत्तियां हैं जिसका नाम लेने से अंतर्मुखी हो जाए, उसका मतलब है राधा। और धारा का ठीक उल्टा बाहर मुखी वृत्ति, तो मन बाहर नहीं भटके, ये अंदर प्रभु के चरणों में लगा रहे। इसीलिए नित्य निरंतर सदैव बजते रहो श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अब माता सती के मन में वहीं पर शंका व्याप्त हो गई। क्या शंका आ गई कि ये तो पहले से ही हमारे पतिदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ये तो पहले से ही लेट रहे हैं, ये क्या कथा कहेंगे, क्या कथा सुनाएंगे। अब ये मन में बात माता सती की आ गई, जबकि अगस्त ऋषि का भाव दूसरा है। अगस्त जी का भाव है कि ये तो देवों के देव है, महादेव है। अभी तो मैं व्यासपीठ पर बैठा नहीं हूं ना, तो अभी ये मेरे पूछ लिए, इनको पूछना है। और ये स्वयं कृपा करके कैलाश से मेरे आश्रम पर पधारे हैं, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। लेकिन माता सती इस भाव को दूसरे रूप में ले गई। अब देखो, अगस्त ऋषि जी को उच्च सिंहासन पर बाबा भोलेनाथ ने बैठा दिया, विराजमान करके, और महाराज खुद शांति से बैठ गए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।